नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। बद्रीनाथ हाईवे सुबह 3 बजे से क्षेत्रपाल चमोली में भारी भूखलन के चलते बंद हुआ रास्ता। वहीं नेशनल हाईवे कंपनी की मशीन भी सड़क खुलवाने में लगभग 5 घंटे लेट पहुंची, जबकि सड़क के दोनों तरफ भारी मलबा दूर दूर तक फैला हुआ है। लेकिन नेशनल हाईवे कंपनी की मशीन एक तरफ से ही काम कर रही, जिससे बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों तरफ फंसे यात्री सड़क खुलने के इंतजार में बैठे हुए। वही यात्रियों का कहना कि सुबह 3 बजे सड़क बंद हो गई थी और शासन प्रशासन की ढीली कार्यप्रणाली से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे की मशीन काफी देर बाद हाईवे खुलवाने पहुंची। सड़क में इतना भारी मलबा है कि सड़क खुलने में पूरा दिन से ज्यादा वक्त लग सकता है। हम पंजाब से, हम सुबह के 6 बजे के जहां फंसे हुए हैं, बहुत रास्ता खराब है, जहां कोई भी ठीक करने वाला नहीं आ रहा। प्रशासन को भी पत्र करो, तुमने किया है फोन, कोई नहीं आ रहा। उधर एक लगी है जेबीसी छोटी, पर वो बहुत काम स्लो चल रहा है। हम बहुत औखे हैं, जहाँ परेशान है। कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाऊँगा? मेरा नाम नावेद हाशमी है, मैं देहरादून से आया हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। हम लोग जा रहे हैं हेमकुंड साहिब, और वैली ऑफ फ्लावर्स का प्लान था और बद्रीनाथ वाया माना होते हुए, बट अभी ये लैंडस्लाइड हो गया है। सुबह से फंसे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी देर हो गई है खड़े हुए। अब तो पूरा प्लान एक तरीके से ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि हम लोग काफ़ी कंजेस्टेड प्लान लेके चले थे। अब ये है कि पता नहीं है कब तक सही होगा। इफ़ पॉसिबल अगर हो जाता है आज शाम तक तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, बट ये कि सुबह ही हो गया था, 3 बजे के अराउंड बता रहे हैं, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। रात में बारिश हुई है, रात में बारिश होने के कारण जो है ये मलबा आ गया है। मलबा आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, तो इसको खुलने में टाइम लग रहा है। एक तरफ से जेसीबी लगी हुई है, दूसरी तरफ से भी जेसीबी लगाने के लिए उनके द्वारा कहा गया है। अब संभवतः इसमें टाइम लगेगा 4-5 घंटे का, और दूसरी जब तरफ से लग जाती है तो सारी जल्द जल्दी खुल जाएगी।